राजस्थान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपनी याचिका वापस नहीं लेंगे स्पीकर सीपी जोशी। हाई कोर्ट ने लगाई थी सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों पर कार्यवाही पर रोक। स्पीकर ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीएसपी ने जारी किया व्हिप। अपने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट का आदेश। पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सभी 6 MLA। तो बीएसपी विधायकों के मामले में आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई। कांग्रेस में शामिल बीएसपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग स्पीकर ने खारिज कर दी थी याचिका। यूपी में अपराधी नहीं आ रहे काबू। अब कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या। पुलिस ने कहा रंजिश में हुआ हत्याकांड। कासगंज ट्रिपल मर्डर में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। मौके पर पहुंचे जोन के DIG। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को लिया निशाने पर। तो बुलंदशहर में वकील लापता। जाँच के लिए मौके पर IG भी पहुंचे। अब तक नहीं मिला वकील का कोई सुराग। अलीगढ़ में थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। दोनों पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश की बात आ रही है। पिछले साल एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह घटना प्रतीत होना लग रहा है। अभी इसकी विवेचना चल रही है। बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल। दरभंगा में अब तक बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग। हेलीकॉप्टर से गिराए गए खाने के पैकेट। गोपालगंज में बाढ़ से नहीं सुधरे हालात। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में घुसा बाढ़ का पानी। अस्पताल के गेट पर मरीजों को देखने को मजबूर डॉक्टर। तो असम में भी बाढ़ से तबाही का दौर। बारपेटा में NDRF ने सैकड़ों लोगों को निकाला। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ी का मलबा। हाईवे को किया बंद। समुद्री तूफान हना से उत्तरी मैक्सिको में तबाही। कई पेड़ गिरे। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हना से अमेरिका के टेक्सास में भी नुकसान। हजारों घरों में बिजली गुल। दोबारा अचानक बाढ़ आने की भी आशंका। तो वहीं इक्वाडोर में कोरोना को लेकर जागरूकता का अनूठा वीडियो वायरल। एक लड़के ने अपने पालतू कुत्ते को भी पहनाया मास्क। कोरोना काल में पहली बार ब्रिटेन में क्रिकेट मैच में दर्शकों की एंट्री। सरी और मिडिल सेक्स के बीच दोस्ताना मुकाबले में 1000 दर्शक पहुंचे। साउथ एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी ने की आत्महत्या की कोशिश। अस्पताल में है भर्ती। विजयलक्ष्मी ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के सहारे उन्हें काफी बुली किया जा रहा है जिसके चलते वे भारी तनाव में हैं। फेसबुक पर वीडियो बनाकर कहा था कुछ देर में हो जाएगी मेरी मौत।